हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। साइकिल का बटन दबाया, कमल का फूल निकला। ये धांधली करवा रहे प्रशांत पीठासीन अधिकारी। चौथे चरण की वोटिंग में भी ईवीएम में गड़बड़ी। जो मोहनन वोट डालने आते हैं मशीन नहीं दाबते, कह देते हैं वोट पड़ गया। कैसे ही होगा 400 पार। हमारे पीछे तीन चार लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। सुना आपने, ये मतदाता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, बटन कोई भी दबाओ लेकिन कमल का फूल ही निकल रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहनन वोट डालने आते हैं मशीन नहीं दाबते, कह देते हैं वोट पड़ गया, और जब हम डालने गए हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। चौथे चरण की वोटिंग के बीचों बीच इस वीडियो ने सनसनी मचा दी है। ये शख्स सरेआम दावा कर रहा है कि उसके इलाके में खुद पीठासीन अधिकारी ही धांधली करवा रहे हैं। हमारे पीछे तीन चार लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे प्रशांत पीठासीन अधिकारी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों बार शेयर किया जा चुका है। ये वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी जिले का है। लखीमपुर के गोला कर्णनाथ नाम की जगह पर जब ये शख्स वोट डालने गया तो हैरान रह गया। इसका आरोप है कि समाजवादी पार्टी को वोट डालने पर भी बीजेपी का ही निशान निकला। इसने ये भी दावा किया कि खुद प्रशासन मुसलमान मतदाताओं को वोट डालने से रोक रहा है। प्रशांत कुमार यहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो मोहनन वोट डालने आते हैं मशीन नहीं दाबते, कह देते हैं वोट पड़ गया, और जब हम डालने गए हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे तीन चार लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे प्रशांत पीठासीन अधिकारी। गोला, मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसनजा बरकाती मुन्नूगंज, मेरा वोट नंबर है 575 नंबर मेरा वोट है। जैसे ही ये वीडियो सामने आया, विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग और सत्ताधारी बीजेपी पर हमलावर हो गई। तमाम पार्टियां इस वीडियो को शेयर कर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग कर रही हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्विटर पर लिखा, प्रिय केंद्रीय चुनाव आयोग, आप अगर जाग गए हो तो लखीमपुरी से आ रही ईवीएम की शिकायत सुने। जनता कह रही है कि बटन कोई और दबाया, पर्ची कमल की निकली। वही कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग को घेरते हुए ट्विटर पर लिखा, निष्पक्ष चुनाव आयोग देख रहे हैं न। लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र के गोला कर्णनाथ में साइकिल के निशान पर बटन दबाने पर कमल के निशान की पर्ची निकल रही है, और पीठासीन अधिकारी मुस्लिम वोटर्स को वोट नहीं डालने दे रहा। पिछले तीन चरणों के बाद चौथे चरण में भी दिख रही करारी हार से मोदी एंड कंपनी अब खुलेआम धांधली पर उतर आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई ईवीएम में धांधली हो रही है। सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई प्रशासन मिलकर बीजेपी की मदद कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आम मतदाताओं को लोकतंत्र पर विश्वास कैसे होगा। चुनाव आयोग को चाहिए कि इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करे और निष्पक्ष चुनाव कराए। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।